फ्रेंड्स, मैं निर्मल कुमार, स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल स्नैक लवर में। दोस्तों अभी जो है हम स्नैक रेस्क्यू के लिए मुंगरोड़ा नया गांव आए हैं, जमालपुर मुंगेर जिला में है, और यहां से हमें शशांक कुमार ओझा जी ने कॉल किया है। तो दोस्तों इनके घर में एक कोबरा सांप देखा जा रहा था, पिछली बार भी हम लोग आए थे तो वो सांप धूप सेक कर बिल में चला गया था, मतलब दीवार है उसमें छिप गया था जाके, तो निकालना वहाँ से संभव नहीं था क्योंकि दूसरे की दीवार थी। तो अभी वो सांप बाहर में है, तो चलकर जल्दी से उसका रेस्क्यू करके आइए। ऊपर लगा है, किस तरह से सांप जो है पेड़ पर धूप सेक रहे हैं। तो आइए इसे हम लोग बड़े प्यार से और बहुत आराम से निकालते हैं। दोस्तों इस प्रैक्टिकल कोबरा है साथियों, यह दिखता हो और किस तरह से देख सकते हैं यह धूप सेक रहा है पेड़ पर। तो देख सकते हैं दोस्तों, यह सांप बराबर इनके यहाँ धूप सेकने के लिए निकलता था और इधर पीछे जो दीवार दिख रही है इस दीवार में कहीं जाकर छिप के बैठ जाता था। तो अब आइए इसे हम लोग रेस्क्यू करते हैं। देख सकते हैं साथियों, बहुत ही सुंदर और जहरीला कोबरा सांप है। देख सकते हैं इसका गुस्सा, कितने गुस्से में है यह। दोस्तों यह जो है जहरीला सांप है साथियों, घर वाले इसे देखकर काफी भयभीत रहते थे क्योंकि नाग सांप है, जानते हैं लोग कि जहरीला सांप है तो खतरा समझते हैं, खतरा मानते हैं इसे, लेकिन ऐसी बात नहीं है बिल्कुल भी। सांप जब भी निकलता था वो इनसे दूर रहता था और अपना धूप सेकने के बाद फिर पुनः चला जाता था बिल में। दोस्तों आप देख सकते हैं इसकी हालत क्या है, ये हाइबरनेशन में, ठंड के समय क्या है साथियों, सांप हाइबरनेशन में जाते हैं, उस समय वो खाना पीना छोड़ देते हैं क्योंकि ठंड में वो एक्टिव कम रहते हैं, इसलिए शिकार करने में असमर्थ होता है। और ऐसे में ही देख सकते हैं यह कोबरा काफी दुबला पतला हो गया है, काफी दिनों से हमें लगता है इसने शिकार नहीं किया है या इसे शिकार नहीं मिला होगा, और थोड़ा सा इसका फन भी चोटिल है। इसका हुड आप देख सकते हैं साइड से थोड़ा सा कटा हुआ है, हो सकता है किसकी पुरानी चोट का असर हो, लेकिन अभी यह बिल्कुल ठीक है। लेकिन यह चूंकि काफी कमजोर हो चुका है तो हम लोग इसे ऐसी जगह छोड़ेंगे जहां इसे शिकार मिले और आगे की लाइफ ही अच्छे से सर्वाइव करे। दूसरी बात साथियों, कभी भी स्नेक बाइट हो, हम जैसा कि हमेशा अपने वीडियो में बताते हैं, स्नेक बाइट हो, झाड़ फूक, ओझागुनी के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े, हमेशा जो है सरकारी सदर हॉस्पिटल जाएं, वहां एंटी वेनम से अपना ट्रीटमेंट करवाएं और 24 घंटे में ठीक होकर आप घर आ सकते हैं। सांप को मारने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है दोस्तों, सांप अगर मर जाएंगे पर्यावरण हमारा बर्बाद हो जाएगा, इसीलिए सांपों को बचाइए और इनके बारे में अधिक से अधिक जानकारी बढ़ाएं। और अगर खतरा लगे तो हम जैसे स्नेक सेवर की मदद लें, हमें कॉल करें, बुलाएं और हम लोग आकर जितना हो सकेगा उतने अपनी तरफ से करेंगे और सांप को ले जाकर पुनर्वास हेतु पर्यावरण में रिलीज कर देंगे। तो देख सकते हैं यह कोबरा काफी देर से खड़ा है लेकिन यह हमला नहीं कर रहा है, क्योंकि हम लोग इसे इतना ज्यादा भी तंग नहीं कर रहे हैं जहाँ से इसे खतरा लगे, और ज्यादा इसे खतरा लगेगा तो यह फिर हमला करेगा। तो चलिए साथियों, इसे अब हम लोग ज्यादा परेशान नहीं करते हैं, अब इसका रेस्क्यू कर लेते हैं क्योंकि अगले रेस्क्यू पर भी हमें जाना है। आइए दोस्तों, अब इस कोबरा को हम लोग रेस्क्यू कर लेते हैं। गुस्से में तो है लेकिन ज्यादा यह कुछ कर नहीं पा रहा है क्योंकि काफी कमजोर है, और बड़े प्यार से हम लोग इसे अंदर कर लेते हैं। अब तो साथियों आपने देखा, हमने इस सांप को बहुत अच्छी तरह से रेस्क्यू कर लिया, घर वालों का डर भी दूर हो गया, घर वालों को जानकारी भी मिल गई, आइंदा अगर कोई भी सांप दिखेगा तो लोग उसे मारने से परहेज करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको हमारा रेस्क्यू वीडियो पसंद आएगा, मिलते हैं साथियों फिर से अगली बार किसी और स्नेक के साथ, आपका स्नेक लवर निर्मल कुमार, जय हिंद जय भारत।
होगा। स्नेक को हमने कल रेस्क्यू किया है, उन्हें लेकर हम लोग नेचर में आ चुके हैं, देख पा रहे हैं बहुत सुंदर है। और ये छोटा कोबरा है, इसे निकालने में हम लोगों को तकरीबन 3 घंटे का समय लगा है। और देख सकते हैं अपने अनुसार यह झाड़ियों में जा रहा है। जाने देते हैं, आइए साथियों अब अपने अगले स्नेक को भी हम लोग निकालते हैं। यह कमजोर कोबरा था, काफी दुबला पतला, लेकिन क्या है कि हम लोग इसे ऐसी जगह लाए हैं दोस्तों जहाँ इसे भरपूर खाना मिलेगा और यहाँ ये अच्छे से सर्वाइव करेगा। देख सकते हैं इस नागराज को गुस्से में है और फन फैला रहा है, तो चलिए इसे हम लोग रिलीज करते हैं। इससे कि अपने आने वाली जिंदगी है अच्छे से जी ले। ये भी चला गया, तो आइए चलते हैं घर। जय हिंद, जय भारत।